उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक संत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश हित में लिए जा रहे निर्णय से प्रभावित होकर उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए करीब 8 किलोमीटर की दूरी लेटकर चलते हुए पूरी की। यही नहीं, रास्ते में पड़ने वाले कई मंदिरों में माथा टेक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की। रायबरेली से एबीएन समाचार के लिए अमर प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आज आपने गंगा तट के किनारे के जितने मंदिर हैं करीब 8 किलोमीटर की दूरी में आपने परिक्रमा की है, इस पूरी परिक्रमा का मकसद क्या था? बोलिए, भगवान भूतनाथ की जय, गंगा महारानी की जय। मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर से 44 करोड़ चावल भगवान भूतनाथ को राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित कर रहा हूँ, जिसमें उसके बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री मेरे देश के जो कश्मीर की धारा 370 इत्यादि कई एक धाराओं का समाधान किया है, मैं बहुत ही अति प्रसन्न हूँ। मेरे राष्ट्र के कल्याण के अनुष्ठान में मुझे अति प्रसन्नता हुई है। आज मैंने संकल्प किया है कि गंगा तट से भगवान भूतनाथ का 8 किलोमीटर चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो स्वामी विवेकानंद के रूप में भारत में अवतरित हुए हैं, मैं उनकी लंबी आयु की कामना करेंगे और वो इसी तरह शुद्ध और पवित्र और निरोग्य रहें और भारत की रक्षा और सुरक्षा व्यवस्था इसी तरह चलती रहे, भारत मेरा सुरक्षित रहे, ऐसे अगर प्रधानमंत्री मेरे देश में रहेंगे तो।